उसे तो देखो, हे ही इज सो हॉट। हाँ सही कहा, ऐसा लगता है वो स्पोर्ट्स में है। पार्थो, यह देखो, क्या हम साथ खेलें? मुझे ही आता है। ओ हीरो, अपना नंबर दोगे और क्या हम डेट पर चले? रितिका, ग्रीन सिग्नल हो गया है, चलो चले चलो। वेरी गुड। बहुत अच्छा पार्थो, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। परशुराम ने मुझे सब बताया है। जैसे कि सुना ही होगा, यहाँ तुम्हें नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी और इसलिए फीस भी ज्यादा है। और जितना जल्दी हो सके तुम्हें आर्चरी किट भी खरीदनी पड़ेगी, तो सब मिलाकर टोटल होता है करीब 40 से 50 लाख। 40-50 लाख का? मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ रही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हमें जूनियर कैंप के लिए एक ट्रेनर चाहिए, और अगर तुम उन्हें ट्रेन करोगे तो तुम्हें फी नहीं देनी पड़ेगी और हमें एक अच्छा कोच भी मिल जाएगा। क्या कहते हो? यस, मैं फिर जीत गया, मैं जीत गया। अच्छा तुम जाओ, पूर्णा तुम आओ। जरा रुको, तुम मजबूत हो मेरे जैसे, तुम आओ। हाथों में ताकत होनी चाहिए। हा? 1, 2, 3 रेडी। तुमने पूछा ना कि वो आवाज क्या थी? वो हमारा जूनियर कोच कोंडा बाबू। 6 महीने पहले वो जॉब के लिए आया था और मैंने उसे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कहा। उसने मुझे एमएलए रिकमेंडेशन लेटर दिखाया। मुझे लगा हमें कोई तो चाहिए काम के लिए। उसे पसंद है कि उसे सर कह के बुलाया जाए। मुझे भी लगा कि बच्चों के लिए मुझे कोई चाहिए, तो मैंने उसे रख लिया। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और बच्चों को ट्रेन करो, प्लीज। ओके सर। राजेश, यस सर, इसे बच्चों से मिलवाओ। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बच्चों, आज हम एक न्यू एक्सरसाइज सीखेंगे। बिल्कुल नहीं कोंडा बाबू, ही इज पार्थो। मैं ट्रेनिंग में हूँ, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? नया ट्रेनर। हाँ, ये एक नया ट्रेनर है, लेकिन यहाँ की ट्रेनिंग नहीं होगी। इसके लिए इसको बोलिए कि खड़े होकर देखे पहले। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तुम ये लो फ्रूट। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया एक्सरसाइज सीखेंगे। अपने नी को बेंड किए बिना अपने फीट को टच करो अपने हाथों से। मेरे तरफ ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो और सीखो। देखो, ओके। और ये ऐसे हो गया। ठीक है, चलो फिर करके देखते हैं। ठीक है, देखो। परसों के दिन जब आप बैठे थे तो आप कर सकते थे सही। अगर मैंने और स्ट्रेच किया तो टूट सकता है। तीर चलाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, है ना? सर सर, वार्म अप तो हो गया, अब ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तुम नए हो, तुम एक्साइटेड हो, इसे इसे रहने दो, एक हफ्ते रुको। सर सर, हाँ, आर्चर बनना हो तो क्या करना होता है? पहले तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ट्रेनर की, और शांत रहा करो। टारगेट बोल रखना है हमसे। सर, ग्रिप बनाने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए बताइए। सर, तीर का वजन कितना होना चाहिए? बड़ा आया कोच। चलो चलो चलो, ऑर्डर आ गया। इसके बाद बच्चा पार्टी, मैं बताता हूँ, कम से कम 25 ग्राम होना चाहिए। स्ट्रेंथ अच्छी होने के लिए फोर आर्म्स एक्सरसाइज करो। तुम्हारे और टारगेट बोर्ड के बीच 15 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, समझ गए क्या? गुड। समझा क्या? क्या समझ में आया? ट्रेनर बनने के लिए तुम्हें ट्रेन होना होगा। तुम शुरू करो, मैं अभी आया। कोंडा बाबू, सर, उन टारगेट बोर्ड्स को मैं साफ करता हूँ। और उन एरोस को मैं करता हूँ। और फर्श मैं करता हूँ। और तुम? मैं जाकर आता हूँ। तो बच्चा पार्टी, आज से मैं हूँ तुम्हारा कोच। मेरा नाम है पार्थो।
तुम्हारा पहला दिन कैसा था? अच्छा क्या दादाजी? ट्रेनिंग और बाकी सब कुछ मिलाकर 40 से 50 लाख होगा दादाजी। अब वो मैं बस हो गया दादाजी, वो पेट भरा हुआ है, मैं जाकर सोता हूँ। पार्थू, पार्थू, दादाजी, दादाजी, यही था ना जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। थैंक्स दादाजी। मैंने तुम्हारी कोचिंग फी भी भर दी है। इतने पैसे आए कहाँ से? ए, ये सब क्या सोच रहे तुम? लगन से अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बिल्कुल करूंगा। चलो अब खाना खा लो। पेट में चूहे दौड़ रहे, आइए। तुम्हारी वजह से ही वो इतनी ठीठ बन गई है। मैं पूछती हूँ उससे, तुम बीच में मत बोलना। ठीक है, बस। वाओ, बिरयानी। मेरी प्यारी मम्मा, तुमने कार को स्क्रैच कैसे लगा दिए? कौन सी कार मम्मी? हमारी कार। आप क्या कह रही हो मम्मी? सुनो, ज्यादा होशियार मत बनो, वो शुक्ला जी की बेटी है। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। उसने पारजू से फ्लर्ट किया और सारी हदें पार कर दी, इसीलिए मैंने ये किया। तो इसका मतलब तुम कार में स्क्रैच लगा दोगी उस